आज भी आंखों में तारों सी टिमटिमाती है सुनहरे रुपहले बचपन की कुछ धुंधलाई हुई यादें। वो दोपहरियां जो गांव की गलियों में दौड़ते तालाबों पर बतियाते बीत जाती थी, वो गांव की चौपालें जहां घंटों बोलते गपियाते बीत जाते थे, जहां खेतों में लहलहाती फसलें पनघट तक दौड़ती इतराती पगडंडियां कानों में रस घोलकर आज भी गुनगुनाती हैं। शहर की भागदौड़ से बचकर सरपट दौड़ती जिंदगी, जहां सुकून से थमकर सुस्ताती मुस्कुरा देती है। ये देश है जो सूर्य की पहली किरण के साथ जागता है। कैसी होगी भारत की वो धरती जिस पर भोर का सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। हमारे देश के उत्तर पूर्व में बसे उगते सूर्य के पर्वत अरुणाचल प्रदेश का मनमोहक गांव डोंग, ये है छत्तीसगढ़ का छिंदकालो गांव। यहाँ पाए जाने वाले ठिनठिनी पत्थर पर आघात करने से घंटियों सा मधुर संगीत सुनाई देता है। गुजरात प्रांत के होड़का गांव के निवासियों की कलाकारी देखते ही बनती है, जो अपनी मिट्टी के घरों को सुंदर रंगों में रंगकर दीवारों को कांच और पैचवर्क जैसे बेल बूटों से सजाते हैं। पर्यावरण संतुलन की जिस चुनौती से आज सारा विश्व गुजर रहा है, भारत के गांव ने उसका सार्थक समाधान निकाल लिया है। ये है महाराष्ट्र का मैथरन गांव, जहां मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगा रखी हैं पाबंदियां, ताकि वादियां हरी भरी रहें, शीतल मंद बयार बहती रहे वहां। आधुनिक युग से कदम मिलाने में सबसे आगे ये है भारत के सबसे विकासशील गांवों में से एक ओदनथुरई स्मार्ट विलेज। यहाँ के निवासी विंड एनर्जी से 350 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन करते हैं, इतना कि वे उसे केवल अपने पड़ोसी गांवों में ही नहीं तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बेचते हैं। वैज्ञानिक प्रयासों की ऐसी ही मिसाल है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव, जहां गांव वालों ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे एक ओर उन्हें सूखे की परेशानी से छुटकारा मिला तो दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या भी दूर की जा सकी। राजस्थान के पिपलांत्री खुर्द गांव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विशेष संकल्प उठाया है। यहां बेटियों के जन्मोत्सव में पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है। इस नई परंपरा में अब हर बेटी के जन्म पर 111 पौधारोपण किए जाते हैं। इस प्रयास ने गांव को और भी हरा भरा बनाया है। देश के और भी क्षेत्रों में जागरूकता की ऐसी ही मिसालें मिलती हैं। राजस्थान से दूर पूर्व में असम के मांजुली गांव में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए खास काम किए जा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र के तटों पर 1360 एकड़ का वनीय प्रदेश बनाया गया है, जिसने वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास दिया है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्रों में भी भारत के गांव किसी से पीछे नहीं हैं। क्या आप जानते हैं गोरखपुर के माधवपट्टी गांव के निवासियों का वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान है कि यहाँ के बहुत से निवासी इसरो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं में वैज्ञानिक हैं। हमारे देश के कुछ गांवों में प्रकृति ने भी रोचक प्रसंग रचाए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के उमरी गांव में कई दशकों से जुड़वा बच्चे ही जन्म लेते हैं। पैतकर स्क्रोल पेंटिंग की आकर्षक कला किसे नहीं लुभाती। ये खूबसूरत कलाकारी झारखंड के अमादुबी गांव के परिवारों का परिचय है। इस कला ने युगों पुरानी पौराणिक कथाओं को संजोकर संरक्षण दिया है।
जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के कोंगथोंग गांव की बात ही निराली है। विस्लिंग विलेज नाम से मशहूर इस गांव की माएं अपने बच्चों को पुकारने के लिए एक खास धुन बनाती हैं। बच्चों के नाम की ही तरह ये धुन भी उनकी पहचान बन जाती है। भारत की युगों पुरानी वास्तुकला में हर युग की अपनी विशेषता है। हिमाचल के गरली गांव में अलग अलग दौर की वास्तुकला का अद्भुत संगम मिलता है। पुर्तगाली हो या इटालियन, इस्लामिक हो या राजस्थानी, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने इस गांव में एक साथ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के पट्टचित्र किस कला प्रेमी को नहीं लुभाते। यहाँ रघुराजपुर गांव का हर घर, हर परिवार इस कला में महारत रखता है, जिनकी कला आज सारे विश्व में विख्यात है। रामायण, महाभारत, गीत गोविंदम आदि की पौराणिक कहानियां इन चित्रकलाओं में सजीव होती हैं। धातु विज्ञान में भारत युगों युगों से पारंगत है। इसकी मनभावन झलक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एकताल गांव में मिलती है। यहाँ की डोकरा कलाकृतियां पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। भारत की हर दिशा में हस्तशिल्प और कलाओं के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। नागालैंड के डेजेफे क्राफ्ट्स विलेज का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां बांस, कैन आदि से बनी बेहतरीन कलाकृतियां और लकड़ी पर बेजोड़ नक्काशी इस गांव के शिल्पकारों की खास पहचान बन चुकी है। हमारे देश में तरह तरह की कलाओं का बेमिसाल संगम मिलता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पोथुलाना गैपल्ली में बनाई जाने वाली थोलू बोमलाता की लेदर पपेट्री की उत्कृष्ट कला दिखते ही बनती है। लगभग 700 साल पुरानी आकर्षक रंगों से सजी ये कलाकृतियां आज सारे विश्व में विख्यात हो रही हैं। सच है कि लगन और हिम्मत हो तो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है। आधुनिक भारत में ऐसे ही कर्मठ उद्यमियों में एक नाम है बिहार प्रांत के गया के जीतन मांझी का। रंग बिरंगे धागों से सिल्क और कॉटन कपड़े बनाने की भारतीय कलाएं युगों से सारे विश्व में मशहूर हैं। इन्हीं में से पोचमपल्ली गांव की इकत सिल्क भी शामिल है। आकर्षक रंगों के धागों को बुनकर ज्यामितीय डिजाइन से सजाई गई इस सिल्क की साड़ियां भारत ही नहीं विदेशों में भी महिलाओं के दिलों को मोह लेती हैं। भारत का प्राचीन संगीत हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। इन्हीं में से कुचिपुड़ी गांव का नृत्य अपने गांव के नाम से प्रसिद्ध है। सुमधुर संगीत लय ताल में बद्ध ये नृत्य नाटिका अपने प्राचीन और अर्वाचीन परिवेश में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तीज त्योहारों में अत्यंत लोकप्रिय है। रंगों का त्योहार उत्सव धर्मी इस देश की खूबसूरत पहचान है। क्या आप जानते हैं यहीं एक गांव ऐसा भी है जहां होली में रंगों और हंसी ठिठोली के साथ लठ भी बरसते हैं। उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव की मान मनुहार से भरी ये अनूठी होली दूर दूर तक मशहूर है। हम कहीं भी क्यों न पहुंच जाए, बड़े बड़े शहरों या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बस जाएं, अगर हमने अपने गांव को जिया है तो हमारा गांव हमारे भीतर से कभी नहीं निकलता है। वो हमारी रगों में बस जाता है, वो हमारी सोच में हमेशा रहता है। हम इसलिए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि गांव हमारी आत्माओं में बसता है।